श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्या परपादुकाभ्या आचारु सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पति पादुकाभ्या। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु तुलसी सीता राम रट हिय राखो विश्वास कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानी। अरे भैया माइक तो ठीक करो। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता संत मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। सियावल राम चंद्र की बागेश्वर धाम की श्री त्वन सरकार की पूज्य पाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की पूज्य पाद दादा गुरु जी महाराज की सब संतन की पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की जय। इसको इसको हटाओ, उसको इसको लगा दो, उसको उसमें लगा दो ना। अब तो ना टेंशन हो। अपने अपने मताई बाप की नमः पार्वती पते हर हर द्वारका नू नाथ मरो धरण छोड़ छोड़ मन माया लगा समझ में नहीं आता होगा
और एक बुंदेलखंड के सब तीर्थों का ध्यान कर दें। ओरे छाके नाथ राम राजा सरकार जू, ओरे छाके नाथ राजा राम सरकार जू, ओरे छाके नाथ राम राजा सरकार जू, ओरे छाके नाथ राम राजा सरकार जू। तुम संग प्रीते लगाई संग प्रीते लगाई है, पन्ना के ठाकुर श्री जुगल किशोर जू, तुम संग प्रीते लगाई है, ओ पन्ना के ठाकुर श्री जुगल किशोर जू, तुम संग प्रीते लगाई है। संग प्रीति लगाई है आगे सरनाथ मारे प्यारे बालाजी, तुम संग प्रीति लगाई है, तुम संग प्रीति लगाई मेरे राम जी, तुम संग प्रीति लगाई मेरे राम जी, संग प्रीत लगाई है, हाँ हाँ तुम संग प्रीत लगाई है। अचल नाम प्रगटे है पूज महाराज जी, अचल नाम प्रगटे है पूज महाराज जी, इनके दर्शन पाए बजा करके गाया करो। पूछो क्यों? जो जोर जोर से नाम संकीर्तन गाता है उसके भीतर वाले पाप बाहर आ जाते, लेकिन जो धीरे धीरे गाता है उसके भीतर घुस जाते। अब तुम चाहते हो कि बगल वाले पड़ोसी महापापी हो, उसके पाप तुम्हारे भीतर घुसे, तो ठटरी बराओ, इधर उठाओ दोनों हाथ, देव संग दादा गुरु जी मोरे, सन्यासी देव संग दादा गुरु जी मोरे, सन्यासी देव संग दादा गुरु जी मोरे, सन्यासी देव संग दादा गुरु जी मोरे, तुम संग प्रीत लगाई है हमने, तुम संग प्रीत प्रीत लगाई है, ललितपुर विराजे श्री तुवर सरकार जू, ललितपुर विराजे श्री तुवर सरकार जू, तुम संग प्रीत लगाई है, राधा माधव हरि बोलो, राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि बोलो।
बोलो राम कृष्ण हरि, 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 बोलो राधा माधव हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राधा माधव हरि, रामचंद्र भगवान सरकार की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। गोरीलाल कुंज की जय। पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की जय। यहां विराजमान सब संतन की जय। जय श्याराम। बगल में पूज्य महाराज जी बैठे, उस तरफ पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बैठे, साइड में हम फंस गए। महाराज जी के चरणों में का कह देवे। जिस बस 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 कथा में विघ्न पड़ेगा। जय 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 पागलो बस। शीघ्र कम समय में पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम भर कर लें, क्योंकि कथा सुनने हम आए हैं। अब कुछ ऐसा तो मन में भाव नहीं, पर जिन महापुरुष के पुण्य स्मरण में ये महोत्सव चल रहा है, पूज्यपाद साकेतवासी महंत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के पुण्य स्मरण में यह महामहोत्सव चल रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जी जब कभी कभी बैठते थे तो एक बहुत श्लोक की एक छोटी सी सूक्ति बोलते थे, छिन्नो अपि चंदनम तरु गंधम ना जहाती। कहते थे बेटा, चंदन कट जाने पर भी अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार महात्मा शरीर मन में ना भी रहें, जीवंत ना भी रहें, तब भी उनकी आभा, उनकी कृपा, उनका प्रभाव और उनका स्वभाव हमेशा उस भूमि में छलकता ही रहता है जहां वो निवास करते हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री जी के पावन पुण्य स्मरण में एक हमारे बुंदेलखंड के संतों के, पूरे भारतवर्ष के, विश्व के, अब महिमा के लिए क्या कह दें, जो महाराज जी व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, विराजमान हैं, मलुक पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, हमें तो आपके स्वरूप में अपने दादा गुरु जी ही नजर आते हैं। और एक बार हमने वृंदावन में पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन भी किया, और बाकी तो हम बहुत पटर पटर हैं, पगला आदमी हैं, तो सबके सामने तो बोल लेते हैं, पर गुरुदेव भगवान और पूज्य महाराज जी इनके सामने, पूज्य श्री गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी के चरण में तो थोड़ा सा बोल लेते हैं, पर आप दो महापुरुषों के सामने पता नहीं वाणी क्यों मूक हो जाती है। और कहते भी हैं कि जब बाप सामने आ जाता है तो मुंह बंद ही हो जाता है। हाँ, जैसे कहो माँ, आप कहो सब माँ, माँ का मतलब जिसका नाम लेती मुंह खुल जाए, अब कहो बाप, अपने आप बंद हो जाएगा, प्रत्यक्ष है, कोनु संदेह नहीं। बाप का मतलब ही जिसके जिनके आते ही सब कुछ न्यूट्रल हो जाए। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री जी दादा गुरु जी के रूप में, बुंदेलखंड के सिरमौर के रूप में, पूरे भारत के सिरमौर के रूप में महाराज जी आप सबको कथा सुना रहे। हम तो विघ्न बनने आ गए हैं, सुनने आए हैं, लेकिन एक सूत्र की चर्चा करके हम वाणी को विराम देंगे। पवन की झकोरन से बादल मिट जात है, विधवा मिट जात है सिंगार के बनाए से, नीच की संगत से साधु मिट जात है, राजा मिट जात है अनीत का धन खाए से, आलस के आए से किसान मिट जात है, विद्यार्थी मिट जात है अत्यधिक भोजन पाए से, भगवान का नाम लिए से, राम का नाम लिए से, संतों का संग किए से, भैया होता क्या। बोले भैया, जिस प्रकार रोशनी के आते ही उजाला मिट, उजाले के आते ही अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार कथा सुनते ही, संत चरणों में बैठते ही, गोविंद का नाम लेते ही पाप मिट जाते हैं। राम का नाम लेते ही, संतों के जीवन में आते ही पाप अपने आप छूमंतर हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुष कथा सुनाने को बैठे हों तो निश्चित रूप से आप
आपके तो आपके हमें तो लग रहा हमारी अनेक पीढ़ियों के पुण्य हैं, जिसका सुपरिणाम यह है कि पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से कथा सुनने का शुभ अवसर मिला। रामचरित्र मानस एक ऐसा भाव है जिस पर पूज्य महाराज श्री जी विराजमान, जिस भाव को लेकर के बैठे हैं, रामचरित्र मानस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, हम आप सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। रामचरित्र मानस का सीधा सा अर्थ उल्टा कर दो, रामचरित्र मानस का जब आप उल्टा करोगे ना तो उसका होगा मानस चरित्र राम, मतलब जिस मानस का चरित्र राम की भांति हो जाता है वो विश्व में पूज्य बन जाता है। जिस मानव का चरित्र इतना सुंदर भगवान राम की भांति हो जाता है ना, वो एकदम पूज्य बन जाता है। हम निवेदन करेंगे जीवन में पूरी राम कथा आपके समझ में आए ना आए, महापुरुष की रहनी सहनी आपके समझ में आवे ना आवे, तुम एक काम करना, पूरी रामायण के दो अक्षर रा और मा दोनों को जीवन में उतार लेना, आपकी जिंदगी में नित्य चमत्कार होने लगेंगे, आपकी जिंदगी में नित्य उजाला होने लगेगा, आपकी जिंदगी में नित्य वृद्धि होने लगेगी। राम हमसे अभी जब हम बाहर गए थे तो बहुत लोग कह रहे थे भगवान आपके राम जी भारत के भगवान हैं, हमने कहा नहीं वो विश्व के बाप हैं। तो बोले विश्व के बाप हैं तो केवल भारत में क्यों पूजा जाता है? एक बहुत पढ़े लिखे वकील लॉयर मिले थे, हमने कहा केवल भारत में नहीं, पूजा तो उन्हें सब जगह जाता है, पर कोई बेटा अपने बाप को भूल जाए तो उसमें बाप की गलती नहीं है, तो बाकी लोग भूल गए हैं, भारत वाले अभी भी पता है उन्हें कि ये हैं। तो बाकी जो भगवान राम को अपना परम पिता नहीं मानते इसका मतलब ये है कि वो निकम्मे पूत हैं, वरना भगवान श्री राम जी तो पूरे विश्व के परम पिता हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और भगवान श्री राम जी के जीवन में उनके चरित्र में आप पढ़ेंगे रामचरित्र मानस की लीला जो भगवान राम जी ने की है, हमारी बुद्धि तो कहती है, छोटी सी कुमति कहती है, हम आपको सिखाने के लिए ही की है, भाई से भाई का क्या नाता होना चाहिए, पुत्र के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए, स्वामी का क्या धर्म होना चाहिए और सखा का क्या धर्म होना चाहिए, ये सभी विस्तार पूर्वक चरित्रों का वर्णन, इन सबकी मर्यादा भगवान राम जी ने रामचरित्र मानस में बताई। जीवन में आप कितने भी बड़े हो जाओ अपनी मूलता को मत छोड़ना, मूल में हमारे राम ही हैं, अस्तित्व हमारे भगवान राम ही हैं, इनको कभी मत भूलना, प्रसन्नता में भी नहीं और दुख में भी नहीं। दुख में तो ज़्यादातर याद कर लेते हैं, प्रसन्नता में संसार के बड़ी बड़ी पार्टियाँ याद आ जाती हैं। हम यही कहेंगे जब जब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आवे, जितना नाम बढ़े उतना ज़्यादा और भजन बढ़ा देना चाहिए। मातृभूमि मातृभाषा और अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। हम अभी लंदन गए, वहाँ की पार्लियामेंट ने बुलाओ के आओ महाराज, हमने कहा चलो नो प्रॉब्लम, अंग्रेजी सिखवाई गई हमें जबरदस्ती कछु, हमें कहीं सीख लो कहे आए हैं उसको आकरण। अब महाराज जी वहाँ पार्लियामेंट में पहुँचे तो 2.5 मिनट का टाइम मिला के आपको 2.5 मिनट में बोलना है वहाँ की संसद में, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं 2.5 मिनट बोलेंगे, और 2.5 के भी कब 4.5 मिनट हो गए, तो इंजन ही गरम 10-15 मिनट में ढंग से हो, तो 4.5 मिनट महाराज जी लग गए। जब 4.5 मिनट लग गए तो 2-3 बेर ठठरी भर गई, अब ठठरी भर गई सो हम भी बाद में जब सब हो गए सो अब अंग्रेजी में सब बोले थे, हमारी तो अंग्रेजी ऊपर होने कर जाते, तो हमें तो कुछ समझ में, हम तो बैठ गए महाराज जी, सो हमने कहा कहो ठठरी कैसी रही मन ही मन, तो महाराज जी आत्मचिंतन ना ठटरी जो गाली हती बम मूड़ धर के पाँव पर है हमारे मन ही मना चल रहो, तो हम कहते हैं रोके रही भैया भाई उन्हें छोड़ धर के पाँव पर है, बोले मालिक तुम्हारी जय हो, हम कही हमारी जय का है, बोले ठटरी भरे जौन मोरी गाली है महाराज, बुंदेलखंड से मैं बाहर नहीं निकलिया, आज मोरे भाग खुल गए के तन की संसद में भी मोर निकाल रहा। तो हमने भी कही कि कोई दिक्कत नहीं इसका नाम, फिर उसने पूछा कि आपने इतने भी हमें कहीं नहीं छोड़वा, तब हमने उसने कहा कि अपने अस्तित्व को अपने मूल को स्वप्न में भी नहीं छोड़ना चाहिए।
हमारा अस्तित्व हमारा मूल बुंदेलखंड है, इसलिए हमने कहा कि तुम भी हम आ गए संसद में, तुम ना आओ, तुम्हारे कारण ही तो हम संसद में आए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि राम के कारण ही तो आप इस जिंदगी में आए हैं, और राम को अगर छोड़ दो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस जिंदगी में भगवान राम को नहीं छोड़ना, ऐसी हमारी यात्रा रही। और हम बोलने के कुछ नहीं आए, सुनने आए तो हम क्षमा मांगेंगे क्योंकि हम बीच में बिजू के बन गए। अब हमें खेत को बिजू को ना बनन दो, महाराज जी की सुनन दो। बोलो अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की, गोरी लाल कुंज वाले महाराज जी की, सब संतन की, जय जय सीताराम, जय सीताराम।